हमारी मदद कर दो वरना हम इसको मार देंगे जान से। नहीं मार सकते आप। हम मार देंगे। नहीं मारने दूंगा मैं आपको। हम मार देंगे इससे, बता रहे हैं। छोड़ो इसे, छोड़ो। हेलो सत श्री अकाल, केम छो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द प्रैंक एक्सप्रेस में। मैं हूँ ख्याति शर्मा और गाइस आज मैं करने वाली हूँ किसी अजनबी पर प्रैंक। आप देखकर समझ गए होंगे, आप नहीं समझे होंगे, आपको कुछ और लग रहा होगा, लेकिन मैं करने कुछ और वाली हूँ। तो अभी सामने एक बैठा हुआ है लड़का, उस पर चल के प्रैंक करते हैं। कैमरा छुपा लेना यार, आजकल लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो रहे हैं क्योंकि इतने ज़्यादा प्रैंक चैनल्स हो गए हैं। सो जल्दी से कैमरा छुपा लो, आज फंसाते हैं। वीडियो को एंड तक देखना। ए भैया कहीं यहाँ बैठ जाए तनिक। बैठो यहाँ, थोड़ा दूर के बैठना। का है दूर, का है? बैठो, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रॉब्लम में दिख नहीं रहा तुमको? आराम से ऐसे बैठ जाओ, रिलैक्स हो। तुमको बड़ा पता है आराम से कैसे बैठे हैं इस हालात में। यहाँ नए आए हो का? हमको नहीं जानते। नहीं, आपको तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। पहली बार देख रहे हो? थोड़ा ऊंचा बोलो, हम ऊंचा सुनते हैं। आप बैठ जाओ आराम से, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है? थोड़ा दिक्कत तो हो रही है भैया। थोड़ा आराम से बैठ जाओ, रेस्ट करके आइए इधर पीछे। कहाँ के हो? मैं दिल्ली से आया हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, थोड़ा टाइम है तुम्हारे पास? हाँ टाइम ही है, अभी तो फ्री बैठा हूँ। कहाँ बताएं तुम्हें, अब खाने खराब हैं बिल्कुल ही। क्या हो गया? का बताएं, ये जो हुआ है ये कम है का? मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो? का बताऊं भैया, यहाँ गांव है ना एक खोड़ा। होगा, मैं जानता नहीं इधर। वहाँ की रहने वाली हैं। अच्छा। हमारा पति हमको इस हालात में ये करके भाग गया। भाग गया? ऐसे कैसे भाग गया? हमको पेट से करके भाग गया साला। तो आपको पकड़ना नहीं था उसे? हम कहां, हमारी कोई सुने? कोई नहीं सुनता हमारी। मतलब ये तो कंप्लेंट वगैरह कुछ नहीं किया आपने, पुलिस कंप्लेंट? अरे भैया असलियत कुछ और ही होता है, कोई नहीं सुनता अबला नारी की बात, ना पुलिस वाला ना कोई आम आदमी, कोई नहीं सुनत। पुलिस, आप गए थे कंप्लेन कराने? हम गए थे, हमको बोल दिया कि ये का लेके घूम रही हो, घर में आराम करो। अच्छा आप रो मत, पहले आप रो मत। रो नहीं रहे हम, पसीने आ रहे हैं बस थोड़े आंखों से। वो आप रो ही रहे हो, आप शांत होकर बैठ जाओ। तबीयत अभी ठीक है आपकी? तबीयत तो का भैया, आप कभी भी कुछ भी मन करने लगता है खाने का, कभी भी किसी को चांटा धर देते हैं, समझ में ही नहीं आता है मन कैसा हो गया है अब। चांटा तो धरने का मन नहीं कर रहा ना अभी। नहीं नहीं अभी हम तुमको नहीं मारेंगे, आप टेंशन मत लो, हम अभी ठीक हैं, थोड़ा दर्द होता रहता है। तो क्या करें, फैमिली वगैरह भी तो रहती होगी ना? नहीं हमारा कोई नहीं है, हम यहाँ भी आके आए थे, अब उस सारा हमको पेट से करके भाग गया। फिर अब आप क्या करोगे? क्या करें भैया, तनिक मदद करोगे हमारी? हाँ जी बोलो। करोगे मदद? हाँ जी बोलो। हमको इसको गिराना है। अरे? हाँ। कैसे गिराना है? कैसे गिराते हैं, हमको नहीं आता, वरना हम खुद ही गिरा देते। गलत बात कर रहे हो आप तो। गलत क्या है इसमें, क्या गलत है इसमें? अबॉर्शन कराने के लिए कह रहे हो आप डायरेक्टली? वही जो हो वह है, वो कानूनी रूप से अलाउड नहीं है इंडिया में। हमका नहीं पता, हमारी जिंदगी इसके बाद से बिल्कुल खराब हो गई भैया, क्या करें बताओ। तो आपकी जो भी बात रही होगी उसमें इस बच्चे की क्या गलती है, आप इसको क्यों? इस बच्चे की गलती ये है कि एक तो इसके आने से हमारा पति हमको छोड़ के भाग गया, दूसरा इसमें लड़की है। तो आप लड़की है तो आप इसका मतलब आप अबॉर्शन करा दोगे? और क्या कराएं बताओ, कोई लड़की का कोई काम है इस दुनिया में? क्या करेगी लड़की आके? आखिर लड़कियां इतनी बड़ी बड़ी मिसाल बनती हैं लोगों के लिए, आप ऐसे कोई मिसाल नहीं बनती, वो
पहले होता था अब नहीं होता है। आप गलत बोल रहे। लड़की नहीं चाहिए हमें, बिल्कुल नहीं चाहिए। अच्छा अभी लड़का होता तो आप रखते? सोचते हम लड़का रखने को, हमारा पति नहीं भागता अगर हमारे पेट में लड़का होता तो। देखो मैडम, लड़का और लड़की सब बराबर होते हैं, आप गलत बोल रहे हो। कैसे बराबर होते हैं, इसका लड़की का कितना कितना दिक्कत है। पहले उसको पालो, उसको स्कूल भेजो, फिर उसका शादी का पैसा इकट्ठा करो। हमारी पूरी जिंदगी उसके शादी का पैसा इकट्ठा करने में बीत जाएगी। ये सब चीजें तो आप लड़के के लिए भी करोगे, पालोगे, स्कूल भेजोगे। लड़का लड़का होता है, लड़की लड़की नहीं होती। लड़की ऐसा नहीं है कि लड़के गलत बता रहा हूँ, पर लड़की को आप इस तरीके से जज मत करो। लड़का फैसला गलत है। आप एक सेकंड बात सुनो मेरी, आप फैसला गलत ले रहे हो। लड़की है तो आप अबॉर्शन कराओगे, ये आपको गलत नहीं लगता? लड़की को कोई भी माँ बना के भाग जात है, तुम्हें कोई माँ या बाप बना सकता है? नहीं ना, यही सबसे बड़ा लड़की का अभिशाप है, ये मानते हो ना? हाँ कहीं कहीं है ऐसा, मैं मानता हूँ, और हो भी रहा है, देखा भी जा रहा है, पर आप इसका ये अंजाम नहीं निकाल सकते कि आप इसको अबॉर्शन कराओगे। इसमें इस बेचारे की क्या गलती है, आप ये बताओ। हम नहीं जाना कुछ भी, हमका इसको गिराना है, हमारी मदद कर दो तनिक। मैं ऐसे में अब मैं आपको करने भी नहीं दूंगा, मैं इस चीज के बहुत अगेंस्ट रहता हूँ। हमारी मदद कर दो भैया। आप ऐसे कैसे अबॉर्शन कराओगे, मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगा। ये क्या कह रहे हो, हम दिक्कत में, हमारी कंप्लेंट करोगे? पहले आराम से बैठ जाओ, हाइपर मत हो। देखो हमारे हमें गिराना है। सोचो वो लड़की है, उसकी क्या गलती जो दुनिया में आई नहीं, आप उससे पहले उसे मारने के लिए? हमका इसको गिराना है। नहीं गिरा सकते आप, मैं आपको गिराने भी नहीं दूंगा। आप तो फिर हम इसको गिरा रहे हैं, हमारी मदद कर दो, हमारे पास पैसा भी नहीं है। पैसा आपको किसी और चीज के लिए चाहिए, खाना पीना मैं करा दूं, आपके लिए कंप्लेंट मैं खड़ा रह लूंगा, पर आप इसको नहीं गिरा। हमारी मदद कर दो वरना हम इसको मार देंगे जान से। नहीं मार सकते आप। हम मार देंगे। नहीं मारने दूंगा मैं आपको। हम मार देंगे, इससे बता रहे हैं। छोड़ो इसे, छोड़ो छोड़ो। आप क्यों परेशान हो रहे हो, ये क्या है? वो भी यही, पता है आपको इसका अंजाम क्या होगा? हम इसको नहीं रखना चाहते। आप मेरे साथ चलो, आप कंप्लेंट करो, मैं देखता हूँ कौन। आप पुलिस स्टेशन गए थे? गए थे हम। फिर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो इसको, उसकी क्या गलती है? बैठ जाओ। ये सब चीजें अलाउड नहीं होती, इन सब चीजों को आप कैसे अपने साथ रख रहे हो वो भी बताओ। आप कुछ नहीं जानते। हमारे पति तो हमें छोड़ के गया। हमारे ससुराल वालों ने भी हमें घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि हमारे पेट में लड़की है। वो सब गलत होंगे, बट आप तो सही बनो, बेबी तो आपका है ना ये। आप रो मत, एक मिनट शांत हो जाओ। क्या करें इसको, एक बात बताओ। आप शांत, हम नहीं चाहते इसको गिराना दिल से, लेकिन एक बात बताओ, जो हमारे पेट में लड़की है वो इस दुनिया में आएगी, उसको इतना प्यार से पालेंगे पोसेंगे, उसके बाद क्या होगा? बड़े होके उसका रेप हो जाएगा? रेप होएगा कि नहीं? वो ऐसे नहीं तो ऐसे मर जाएगी। कोई गलत बात बोले हम? बताओ, इतना मेहनत से सब उसका पढ़ाई कराएंगे, उसके शादी का पैसा जोड़ेंगे, उसके बाद उसको हमारे समाज के जानवर रेप करके मार देंगे। हम ऐसे नहीं देख सकते। देखो मैडम, अब मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आपको मन में डर है आपकी बेटी के लिए, पर जहाँ ऐसा कुछ हो रहा है वहाँ लोग अपनी एकता बना के इस चीज़ के लिए लड़ भी रहे हैं। आप ऐसे मत सोचिए, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, बट आप ये... हम नहीं चाहते हमारी बेटी मर जाए रेप के बाद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छी परवरिश दे, उसे अच्छा पढ़ाई लिखाए, उसको अच्छा कुछ आगे उसका फ्यूचर सिक्योर कर लो। अब ऐसे नहीं होगा, आप कहो अबॉर्शन कराने के लिए बहुत गलत बात है। क्या करूं भैया बताओ। मत, आप पहले चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, बिल्कुल आप चुप हो जाइए। कैसे चुप हो जाए, इतना गंदा समाज, कुछ नहीं चाहिए हमें, हमें बच्ची हमें बहुत प्यारी है, क्या करें हम कैसे रखें इसको, इतना जंगली जानवर चील घूम रही है इस समाज में। वो आपकी बात सही है, मैं समझ रहा हूँ, और आजकल तो बहुत ज्यादा हो रहा है ये सब, क्या करें भैया बताओ। पर आप ये गलत सोच रहे हो कि उसको मार दोगे, आप उसको लड़ना सिखाओ, उसको गलत के खिलाफ बोलना सिखाओ। भैया हम तो बहुत परेशान हो गए अब। लड़िए मत, देखिए मैम आप भी बहुत अभी ठीक ठाक हैं, आप उसके लिए बहुत कुछ कर लेंगी। आप ऐसे नहीं है कि आप बिल्कुल निराश हो जाओगे और आप कुछ कर नहीं सकते।
आप अपने लिए भी बहुत कुछ करेंगे, अपनी बेबी के लिए भी। आप ऐसे रो मत, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए पहले आप। पानी वानी कुछ चाहिए आपको? आप बहुत रो रहे हो। नहीं भैया, कुछ नहीं चाहिए। ऐसे मत कीजिए आप। एक बात बताना चाहते हैं हम आपको। जी अच्छा, चुप हो जाओ, आराम से बात कर लो आप। ये सब निकाल दो अपने मन में। एक बात बताइए आप, आप YouTube देखते हैं? हाँ देखता हूँ। देखते हैं जी? तो उस पे हमको नहीं देखे कभी? एक मिनट, नहीं तो नहीं देखे वहाँ? देखे वो खड़ा होगा वहाँ? नहीं तो वहाँ किधर कह रहे हो आप? कहना क्या चाह रहे हो? वहाँ कैमरा देख रहा है पेड़ के पीछे। अरे आप ये क्या भैया, मैं एक्चुअली एक वीडियो शूट कर रही थी। आप बुरा मत मानो, आप मुझे लग रहा है आप गुस्सा हो रहे हो। मैं एक वीडियो शूट कर रही थी और एक्चुअली मेरा यूट्यूब पे चैनल है द प्रैंक एक्सप्रेस के नाम से। तो एक्चुअली मैं ना देखना चाहती थी कि आपका क्या रिएक्शन होगा। आप भी एक लड़के हो, ठीक है, और अभी जो हो रहा है वो लड़के ही कर रहे हैं। सब लड़कों को मैं गलत नहीं बोल रही, बट जिन्होंने किया है उनको। तो मैं देखना चाहती थी कि आपका इस पर क्या कहना है कि मुझे अबॉर्शन कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। और भैया मैं किसी मतलब मैं गांव की रहने वाली नहीं हूँ, मैं यहीं आसपास रहती हूँ और मैं प्रेग्नेंट भी नहीं हूँ, मैं शादीशुदा भी नहीं हूँ। वो एक्चुअली बस मैं क्या बोलूँ, बस मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अबॉर्शन एक ऑप्शन नहीं है। और ये आपकी बात जो मैंने बात बोली, आप मानते हो, भैया भी सहमत थे कि ये जो रेप के केसेस बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन, ये गलत है, आप मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। और सख्त कानून होना चाहिए अपने इंडिया। और भैया ने जो मुझे बोला कि अगर कुछ गलत होता है तो हम सब एक साथ खड़े भी होते हैं इस चीज़ के लिए। हमारी एकता इतनी है हमारे देश में कि अगर थोड़ा सा भी कुछ गलत होता है तो हम सब एकजुट होकर उसका सामना करते हैं। तो यार मेरी आप सबसे यही विनती है कि एक दूसरे का साथ दें, और अगर ऐसा कुछ घिनौना काम होता है आपके आसपास तो प्लीज़ स्टैंड लें, पीछे ना हटें। और प्लीज़ अपने आप से अपनी अपनी थोड़ी सी कोशिश से प्रयास करें कि ये आगे ना हो। कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा एफर्ट तो कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि ऐसे चीज़ें कम हो। ख़त्म तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा होने में, लेकिन मेरी आशा है कि मेरी इस वीडियो के थ्रू आप सब समझेंगे। और अगर आपके आसपास कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, कोई भी साइन मिलेगा किसी लड़की के साथ कुछ भी गलत होगा, होने वाला हो या फिर हो रहा हो, प्लीज़ उसके अगेंस्ट खड़े होइए। एंड दिस इज़ ऑल जो मुझे बोलना है। एंड आई होप आपको मेरा जो ये मैसेज देना चाह रही हूँ आपको अच्छा लगा। एंड सॉरी अगर आपको बुरा लगा। मतलब आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। ये सब तो सब बस ये प्रैंक कर रही थी मैं। और प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम पे आ जाना, बातें करेंगे। एंड टेक केयर, बाय बाय। और आप भी थैंक यू सो मच, अपना अपना टाइम दिया। कर दो मैम का चैनल फिर, तो मेरे को तो पता ही नहीं था कुछ ऐसा। आप तो डराई दोगे किसी को।